दोस्तों, गोपालगंज में एमआईएम पार्टी के आगे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन हुआ फेल। एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी दीनानाथ मांझी निकला आगे। दोस्तों, एमआईएम पार्टी गोपालगंज में जिस दीनानाथ मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है, इससे पहले 2014 और 2019 में भी दीनानाथ मांझी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही मर्तबा इनको हार का सामना करना पड़ा था। अब तीसरे बार एमआईएम पार्टी के टिकट पर अपना किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी जनाब दीनानाथ मांझी अपने जीत के दावे पेश करते हुए बोला, जीत हार ऊपर वालों के हाथ में है, लेकिन मुझे गोपालगंज की तमाम जनता भरपूर सपोर्ट कर रही है, चाहे वो हिंदू समाज के मानने वाला हो या मुस्लिम समाज के। इन तमाम लोगों ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया है, इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी के नाते मेरा मानना है कि इस बार गोपालगंज लोकसभा के जनता अपने वोटों से और अपने दुआओं से हमें ज़रूर नवाजने वाले हैं। कि दीनानाथ मांझी जी जो है वो चौकीदार संघ के नेता हैं, गोपालगंज में लगभग 750 चौकीदार कार्यरत और जो रिटायर्ड, अगर एक आदमी के पास अगर 100 वोट ही लाएं तो 75,000 वोट तो इसलिए जीत के लिए हम लोग बहुत अस्वस्थ हैं। समीकरण के हिसाब से, मुद्दे के हिसाब से, मुद्दा अगर देखेंगे तो 5 साल जो आलोक कुमार सुमन रहे, इस हिसाब से 5 साल पहले का जो स्थिति था वही अभी सेम है। वो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी चिकित्सा पर जो है ध्यान नहीं दिया। पूरे गोपालगंज जिले में लगभग 40 से 45 जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ आज के डेट में भी कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं लचर हैं, जिसके लिए MIM एक जो है गोपालगंज की जनता के लिए एक अच्छा विकल्प दे रही है और इंशाल्लाह। दोस्तों, आप लोग इस खबर के मुताबिक अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया MIM न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।